बरेली के नारायण कॉलेज के चेयरमैन शशिभूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं। सर, फैशन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी अपने देश की अगर बात की जाए तो पुरानी भ्रांतियाँ लगातार चली आ रही हैं। क्या लगता है सर, फैशन इंडस्ट्री और फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं छात्रों के लिए? अगर फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो आज के समय में इंडिया के 5 सबसे अच्छे करियर या जिनमें सबसे ज़्यादा जॉब निकल रही हैं, हम उनकी बात करें तो उनमें से फैशन डिजाइनिंग एक है, लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं। यहाँ सबसे ज़्यादा जॉब क्यों निकल रही हैं, उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। आज अगर हम बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 136 करोड़, और इस 136 करोड़ में से शायद 100 करोड़ लोग रेडीमेड कपड़ा मांगते हैं, जीन्स, जैकेट, स्वेटर, इवन पजामा कुर्ता भी लोगों को रेडीमेड चाहिए। तो कभी किसी ने सोचा है क्या कि ये जो कपड़े की सप्लाई है रेडीमेड, ये कहाँ से हो रही है? इसके बारे में कोई जानता नहीं। लगातार नई फैक्ट्रीज लग रही हैं। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा और बनारस दोनों हब हैं। अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो 2016 में 200 नई फैक्ट्रीज कपड़ा बनाने की लगी वहाँ, और उनमें हर फैक्ट्री में लगभग 3000 जॉब निकली। लगभग 6 लाख जॉब 2016 में निकली थी जो आज तक फिल नहीं हो पाई हैं। क्यों? क्योंकि लोग इसको करियर नहीं मानते, फैशन डिजाइनिंग को शौक मानते हैं। हमारे यहाँ अगर बच्चा अपने गार्जियन से जाके बोले कि उसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है 12th करने के बाद, तो शायद उसकी डांट पड़ती है कि नहीं, हमें दर्जी नहीं बनाना। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आज के समय में इस सेक्टर में बाकी सेक्टर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा जॉब हैं, क्योंकि यहाँ पे रीज़न वही है, कॉलेज बहुत कम है, नौकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जो भी स्टूडेंट पास होकर निकल रहा है हर एक को जॉब मिल रही है। इसलिए इस सेक्टर में जॉब की कोई कमी नहीं है, स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत अच्छी है। और केवल प्रोडक्शन में ही नहीं, यहाँ बच्चा अगर अच्छे से कोर्स कर ले तो ड्रेस डिजाइनर बन सकता है, और ऑनलाइन अपनी ड्रेसेस को बेच के भी घर बैठे भी पैसा कमा सकता है, जिसकी आज बहुत डिमांड है। आप दूसरी तरीके से अगर देखें तो जितने भी सीरियल, जितनी भी मूवीज, आज केवल हीरो जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके लिए ड्रेस डिजाइनर की जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटा कलाकार भी है, जितने कलाकार हैं सबके ड्रेस डिजाइनर अलग हैं, और उनकी जरूरत बहुत है, वो लोग उनको मिल नहीं। सर, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है लोगों में, अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो आपके नज़रिए से देखा जाए तो फैशन डिजाइनिंग असल में कोर्स है क्या, और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने करियर को आगे लेके जाते हैं? देखिए, फैशन डिजाइनिंग की अभी तक जो अवधारणा रही है वो 3 पार्ट में है कि फैशन डिजाइनिंग का मतलब है पहले हम ड्राइंग शीट पे फैं और उस पर एक ड्रेस डिजाइन करें, उस ड्रेस के अकॉर्डिंग हम कपड़ा खरीदें, उसकी कटिंग करें, सेकंड पार्ट बनता है, फिर उसके बाद उसको स्टिचिंग करें। अभी तक लोग नॉर्मली फैशन डिजाइनिंग को सिलाई कढ़ाई मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फैशन डिजाइनिंग का मतलब बिल्कुल अलग है। अगर आज की डेट में हम बात करें तो फैशन डिजाइनिंग बहुत आगे जा चुका है, यहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कि ड्राइंग शीट पर हम जो ड्राइंग करते हैं उसमें हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, ड्राइंग की कॉस्ट, कलर की कॉस्ट, फिर हमारा कम से कम 2 घंटा लगता है ड्रेस डिजाइन करने में, और वो अगर ड्रेस किसी को पसंद नहीं आ रही है तो हम फिर 2 घंटे लगाते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं, फिर नहीं पसंद आई, फिर ऐसा ही करते हैं। इसकी जगह बेसिक तो हमें ये सीखना है मैनुअल, लेकिन उसके बाद जब हम इसी चीज़ को लेके कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, यहाँ आपके फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, इनमें जब हम ड्रेस डिजाइनिंग सीखते हैं तब हमें समझ में आता है एक्चुअल में ड्रेस डिजाइनिंग है क्या। क्योंकि एक बार अगर हमने कोरल पे ड्रेस डिजाइन की, उसमें अगर हमें कलर नहीं समझ में आ रहे हैं तो सेकेंडों में हम लाखों कलर चेंज कर सकते हैं। ड्रेस को छोटा बड़ा करना है तो हम उसे सेकंडों में कर सकते हैं, और हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप यहाँ बैठ के अमेरिका के किसी बंदे को अपने साथ ऑनलाइन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसे दिखाते हुए ड्रेस बनाइए, ड्रेस उसको मेल कर दीजिए, वो आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी बहुत बेहतर करियर है, आप ड्रेस डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेकेंड पार्ट आता है कटिंग का। अगर हम इंडस्ट्री में जाने की बात करें जहाँ जॉब चाहिए बच्चों को, तो इस समय बहुत ज़बरदस्त जॉब है। ये डिजाइनिंग आप जब कंप्यूटराइज सीख के जा रहे हैं तो आपको हाथों हाथ जॉब में लिया जा रहा है। अगर कटिंग की हम बात करें तो मैनुअल कटिंग नॉर्मली सिखाई जाती है। मैनुअल कटिंग का मतलब है हमको शर्ट सिलनी है तो शर्ट का कपड़ा 2 मीटर, 2.25 मीटर जितना भी लेते हैं उसे टेलर अपने मेज पर फैलाता है, और उसके बाबा दादा के समय के जो
निशान हैं जो उसने सीखे हैं उसे लगाता है और कैंची से काट के स्टिच कर देता है। यहाँ अगर उसे 0.2 मीटर कपड़ा बचाना हो तो वो नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है इसके अलावा क्या अल्टरनेट है। इसी को लेकर अगर हम ऑटोकैड में जाएं तो ऑटोकैड में शर्ट के कपड़े की साइज हमने डाल दिया, लंबाई चौड़ाई, और उसके बाद कफ, कॉलर, आस्तीन, जेब कितनी बड़ी है, फ्रंट बैक, वो जब हम साइज के अकॉर्डिंग ऑटोकैड में डाल के एंटर मारते हैं तो उस कपड़े में से किस जगह से कौन सी चीज़ निकालनी चाहिए ये ऑटोकैड हमें बताता है, और वहाँ पे हम कपड़े को बचा सकते हैं। सपोज एक कपड़े की, एक शर्ट के कपड़े में से हम 0.2 मीटर कपड़ा बचा रहे हैं, तो किसी कंपनी में अगर 2000 शर्ट पर डे सिली जा रही हैं तो वहाँ हम 400 मीटर कपड़ा बचा रहे हैं। ये जो सीख के जा रहा है उसे कंपनी में हाथों हाथ जॉब दी जा रही है और बहुत अच्छी सैलरी स्टार्टिंग उसको मिल रही है। कुल मिलाकर सर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप कोर्स भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो टेक्नोलॉजी से लगाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। नेचुरल सी बात है, आज की डेट में तो हर चीज़ बिना टेक्नोलॉजी के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब मैनुअल तो चीज़ें मतलब ना के बराबर रह गई हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको अपने समय का। मेरे समय में मैं अगर 85 के आसपास की बात करूँ, 80 से 85 के बीच, तो हिंदुस्तान में केवल 4 मोटरसाइकिल्स चलती थी, राजदूत, यजदी, जाबा और बुलेट। बुलेट तब भी सबकी पहली पसंद थी, बुलेट आज भी सबकी पहली पसंद है। क्यों? क्योंकि बुलेट ने समय के साथ अपने आप को मॉडिफाइड किया, वो आज भी सबकी पसंद है। राजदूत, यजदी, जाबा समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए, खत्म हो गए। ऐसे स्टूडेंट को आज की सही टेक्नोलॉजी, सही कोर्सेज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पुराने कोर्सेज में अगर वो लगे रहेंगे पुराने तरीके से तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सवाल सर और है, इस तरीके के कोर्सेज जो हैं इनमें संभावनाएं बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये कोर्स सही ढंग से प्रमोट नहीं हो पाते, क्या सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे इसके लिए? एक्चुअल में सरकार के प्रभावी कदम की जरूरत नहीं है, ये गार्जियन को अलर्ट रहना चाहिए। नॉर्मली गार्जियन एक चीज मान लेता है कि वो स्टूडेंट को या अपने बच्चे को अच्छा स्कूल, अच्छी जगह जहाँ अच्छी फीस दी जा रही है वहाँ पढ़ा दे, उसकी सारी जरूरत पूरी कर दे। गार्जियन इस चीज़ को ही अपने आप की जिम्मेदारी मान लेते हैं, जबकि जिम्मेदारी इसके आगे की है। गार्जियन नॉर्मली अपने समय में जीते हैं, अपने समय में इन द सेंस, जैसे मेरे समय में बीटेक बहुत अच्छा था तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बीटेक करें, जबकि समय बहुत बदल गया। बीटेक अब गुजरे समय की बात हो गई, वहाँ केवल टॉपर्स के लिए जॉब है क्योंकि वहाँ भीड़ लग गई, लेकिन मेरे दिमाग में वही बीटेक है जिसे कहते हैं जनरेशन गैप। आज अगर गार्जियन थोड़ा सा समय निकाल के ये देखें कि नए कौन से कोर्सेज आए हैं जहाँ पे कॉलेजेस कम हैं, पास होके निकलने वाले कम हैं, नौकरियाँ ज़्यादा हैं, अगर उनकी तरफ थोड़ा सा भी फोकस करके देखेंगे तो उनके पास फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कोर्स आएंगे जिनमें इस समय डिमांड ज़्यादा है और कॉलेजेस कम होने की वजह से सप्लाई कम है। तो ये हम गार्जियंस को ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा भेड़ चाल में ना जाए। नॉर्मली इस समय स्टूडेंट एडमिशन लेने कैसे जाता है कि उसके दोस्त कहाँ जा रहे हैं, उसे मालूम ही नहीं है इसको करने के बाद आने वाले समय में उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेट आज की डेट में मैं अगर एजुकेशन की बात करूं तो जो मैं देख रहा हूं पिछले 22 सालों से, पहले जो हुआ करता था कि एजुकेशन का मतलब शायद हम शिक्षा लेके दूसरों को शिक्षा दें, लेकिन आज की डेट में एजुकेशन का एक ही मतलब है 99.9% कि हमको एजुकेशन के बाद जॉब चाहिए। तो जॉब हमेशा उन सेक्टर्स में मिलेगी जहां पे नौकरियां खाली हों, और नौकरियां किन सेक्टर्स में खाली हैं इनके ऊपर गार्जियंस को फोकस करना पड़ेगा। जो कॉलेजेस हैं उनको भी करियर काउंसलिंग के कैंप लगाने चाहिए जिससे बच्चे अवेयर हो सकें, वो आपके कॉलेज में आए या कहीं भी जाएं, लेकिन नए सेक्टर्स के बारे में वो अवेयर हो जाएं। इसलिए कॉलेज को नए सेक्टर्स के बारे में जरूर बताना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नए छात्र हैं, जो नई पीढ़ी हैं, उनको समय के साथ बदलने की भी ज़रूरत है। और अगर बात करें नए कोर्सेज की, तो कहीं ना कहीं जो ये नए कोर्सेज हैं वो आपको आगे आने वाली ज़िंदगी को और बेहतर बनाने की भी सक्षम है, क्योंकि लगातार वहाँ पर जॉब्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और साथ साथ अगर बात करें गार्जियंस को, तो उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है और समय के साथ एक बदलाव की भी ज़रूरत सभी के लिए है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।